हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। आई होप आप लोग सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 63, पेज नंबर है आपका 5.103, बुक है आपकी टीएस ग्रेवाल, चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। और हाँ, क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आपको वीडियो को समझना है, फोकस करना है। नोट्स वीडियो के आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरे गूगल ड्राइव के लिंक पे, तो वहां से आप नोट्स कॉपी कर लीजिएगा। आप केवल समझने में फोकस रखिए। चलिए शुरू करते हैं। ए बी सी पार्टनर है, रेशियो है 3:2:1। देयर बैलेंस शीट एज 31 मार्च 2022 इज एज फॉलो। बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट में कोई खास बात नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। डी इज एडमिटेड एज ए पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2022, हिज कैपिटल इज टू बी 50,000। डी एडमिट हुआ और बोल रहा है मैं कैपिटल लेके आऊंगा 50,000 रुपए। फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर एग्रीड ऑन डी एडमिशन। डी के एडमिशन के टाइम पे कुछ एडजस्टमेंट हुई। पहली क्या है, आउट ऑफ द क्रेडिटर, जितने भी आपके क्रेडिटर हैं, कोमा 10,000 इज ड्यू टू डी, उसमें से 10,000 देने हैं डी को, और डी आपका पार्टनर भी है। इट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट हिज कैपिटल। तो ये बोल रहा है कि जो डी की कैपिटल होगी ये क्रेडिटर उसमें से एडजस्ट हो जाएंगे। इसका सिंपल मतलब यह है, डी से मंगवाएंगे 50,000 रुपए, लेकिन डी बोल रहा है मुझे 10 तो आपसे लेने ही है, क्योंकि जो हमारे क्रेडिटर हैं उसमें 10,000 डी को देने हैं, तो टोटल कैपिटल उसकी है 50,000 रुपए, लेकिन 10,000 को कहां से लेगा, अपनी क्रेडिटर से। 10,000 को एडजस्ट कराएगा अपनी क्रेडिटर से, यानी टोटल कैश में वो लेके आएगा 40,000 रुपए, और 10,000 रुपए जो हमें उसे देने थे वो बोल रहा है कि अब मुझे मत देना, वो मेरी कैपिटल मान लो। यानी हमारे 10 के क्रेडिटर कम हो गए, लेकिन अब वो 10 की कैपिटल नगद में ना लेके आएगा, बल्कि वो क्रेडिटर से कैपिटल को एडजस्ट कराएगा। एंट्री क्या बनेगी मैं भी आपको बताऊंगा। सेकेंड पॉइंट है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसिस ऑफ 1200 आर टू बी कैरी फॉरवर्ड एज प्रीपेड एक्सपेंस। बोल रहे हैं जितने भी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसिस आपके 1200 रुपए कैरी फॉरवर्ड करने एज प्रीपेड एक्सपेंस, मतलब ये आपका एसेट बढ़ गया। जो खर्चा आपका इस साल का नहीं है, इसका बेनिफिट अगले साल मिलेगा, ये आपका प्रीपेड एक्सपेंस है, आपका एसेट बढ़ गया। एसेट बढ़ गया तो फायदे वाली बात है, तो रिवर्सल के क्रेडिट में आ जाएगी। नेक्स्ट है एक्सपेंसिस डेबिटेड इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट 2000 पेड फॉर बी पर्सनल एक्सपेंसिस। जो आपने प्रॉफिट लॉस में खर्चे दिखाए हैं उसमें से 2000 बी के पर्सनल एक्सपेंस, मतलब जो बी का पर्सनल खर्चा था वो तो नहीं दिखाना चाहिए प्रॉफिट लॉस में। क्या एंट्री होगी मैं आपको बताऊंगा आगे। अब बिल ऑफ एक्सचेंज 4000 विच वाज प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंक। कोई एक बिल था जो आपने डिस्काउंट करा लिया था बैंक से, वॉज डिसऑनर ऑन 31 मार्च 2022, डिसऑनर हो गया 31 मार्च 22 को, बट एंट्री वाज नॉट पास फॉर डिसऑनर, और आपने भी एंट्री भी नहीं करी, तो ये वाला पॉइंट मैं आपको डिस्कस करूंगा। और प्रोविजन माना है 5% एक्सपेंस 2100 पेड बाय ए ऑन रिवोल्यूशन, खर्चा ए ने पे करा। अब देखते करना क्या है, प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर डी एडमिशन। आपको लेजर अकाउंट मतलब नेसेसरी, तो नेसेसरी में दो अकाउंट होते हैं बच्चों, पहला रिवोल्यूशन अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट, और बैलेंस शीट आपको बनानी ही है, मैंने पहले से फॉर्मेट बना रखे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट से, पहले हम कंप्लीट करेंगे एडजस्टमेंट, उसके बाद हम बैलेंस शीट सफाई करेंगे, फिर हम करेंगे पहले रिवीजन क्लोज, फिर कैपिटल क्लोज, और फिर बैलेंस शीट क्लोज। आइए पहले एडजस्टमेंट क्या है, डी कैपिटल आएगा 50,000 रुपए, लेकिन क्या बोला ए पॉइंट में, उसकी कैपिटल को 10,000 रुपए एडजस्ट करने क्रेडिटर से। तो यहां पे मैं एंट्री आपको लिख देता हूं, आप रफ कर दीजिएगा एंट्री, मतलब मैं रफ कर दो बाद में आप लोग देखिए। एंट्री आपकी बनेगी जो पैसा लेके आएगा कैपिटल के, 10,000 रुपए तो एडजस्ट होंगे क्रेडिटर से, बाकी 40 नगद लेके आएगा, यहां बैंक गिवन है तो बाकी 40 के लिए बैंक डेबिट हो जाएगा, और टोटल कैपिटल उसकी कितनी है 50,000 रुपए। तो 2D कैपिटल आपकी एंट्री बनेगी ये वाली, कैपिटल उसकी 50 से बढ़ेगी लेकिन नगर में लाएगा 40, बाकी 10 एडजस्ट करा रहा है क्रेडिटर से। तो इसके दो इफेक्ट हुए, एक हमारी कैपिटल उसकी क्रेडिटर थ्रू आई, दूसरी हमारे क्रेडिटर कम हो गए। इसको कैसे पुट करेंगे आप देखिए, पहले एक लाइन छोड़ के लिखिए बाय बैंक अकाउंट डी कितनी कैपिटल आ रहा है नगर में 40,000 रुपए। सेकेंड बात क्या है, वो क्रेडिटर से कितनी कैपिटल आ रहा है, तो क्रेडिटर डेबिट हुआ क्योंकि उसकी कैपिटल क्रेडिट हुई है, तो कैपिटल अमाउंट को क्रेडिट करना है, बाय क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स के थ्रू कितनी कैपिटल आ रहा है 10,000 रुपए, तो डी की कैपिटल होगी 50,000 रुपए, डी 50 से पूरा क्रेडिट हो गया। अब इसका दूसरा इफेक्ट क्या है, क्रेडिटर में आप देखिए क्रेडिटर ऊपर आपके गिवन 30,000 के, तो 30,000 में से आपके क्रेडिटर 10,000 रुपीज कम हो गए, ये आपके आ गए 20,000, क्योंकि क्रेडिटर डेबिट हो गया मतलब क्रेडिटर खत्म हो गया, क्योंकि वो क्रेडिटर डी ही था, डी ने बोला मैं पैसा ना लेके आऊंगा बल्कि मेरा क्रेडिटर ही मेरी कैपिटल बन जाएगा, तो हमारे क्रेडिटर कम हो गए और वो क्रेडिटर जो कम हो गए डी की कैपिटल का पार्ट बन गए। और दूसरा फैक्टर इसका क्या होगा, बैंक में देखिए जो वो कैपिटल आता है बैंक उससे बढ़ेगा, बैंक आपको गिवन है कितना, बैंक आपको गिवन है ऊपर 10,000,
और वो नगद में कितना लाया है, नगद में लाया है वो 40,000 प्लस 40,000। अभी से क्लोज नहीं करेंगे, कोई और बात भी हो सकती है बैंक में, तो बैंक सबसे आखिरी में क्लोज करना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज 1200 आर टू बी कैरी फॉरवर्ड एज प्रीपेड एक्सपेंस। बोले 1200 रुपए का जो खर्चा है वो प्रीपेड एक्सपेंस है एडवर्टीजमेंट का, मतलब उसका बेनिफिट अगले साल मिलेगा, यानी ये प्रीपेड एक्सपेंस आपका एसेट होता है, तो आपका एसेट बढ़ गया क्योंकि अगले साल का खर्चा, मतलब अभी आपका एसेट एग्जिस्ट करता है तो एसेट आपका बढ़ गया, तो एसेट बढ़ गया फायदे वाली बात है, वो आप लिखेंगे रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड बाय प्रीपेड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट, बाय प्रीपेड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट कितने रुपए है 1200 और एसेट बढ़ गया है तो बैलेंस शीट में भी आएगा, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 1200, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 1200। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका है पॉइंट एक्सपेंस डेबिटेड इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट इंक्लूड 2000 पेड फॉर बी पर्सनल एक्सपेंस। जो आपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में खर्चे दिखाए हैं उसमें से 2000 रुपए बी के पर्सनल खर्चे दिखाए, मतलब पर्सनल खर्चे मतलब ड्राइंग, वो बी की ड्राइंग थी तो वो तो उसके प्रॉफिट लॉस में नहीं दिखाई चाहिए थी, तो अब हम क्या करेंगे बी से तो पैसा वापस लेंगे तो एंट्री क्या बनेगी बी की कैपिटल हो जाएगी कम, बी से पैसा वापस लेंगे बी की कैपिटल हो जाएगी कम क्योंकि वो खर्चा उसकी कैपिटल का था, वो पैसा उसकी कैपिटल से निकलना चाहिए था अगर पर्सनल यूज कराए, तो हमने उसे प्रॉफिट लॉस में दिखा दिया तो हम बी की कैपिटल करते हैं कम क्योंकि ड्राइंग से कैपिटल कम होती है, और क्रेडिट क्या हो जाएगा क्योंकि प्रॉफिट लॉस अकाउंट तो क्लोज हो चुका है ये टाइम है एडमिशन का, तो यहाँ पे ये एडजस्टमेंट होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू, यहाँ ये एडजस्टमेंट होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू। तो इन शॉर्ट सिंपल भाषा में जो पैसा हमारा बी का खर्चा था वो पर्सनल यूज था तो बी की कैपिटल होगी कम और हमारा फायदा हो गया क्योंकि हम उससे पैसा लेंगे तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो रीवैल्यूएशन आपका क्रेडिट हो जाएगा कितने रुपए 2100 रुपए। तो इस एडजस्टमेंट के फैक्ट देखिए रिवल्यूशन आप लिखेंगे बाय बी कैपिटल, फायदे वाली बात है बी साहब पैसा लोगे 2100 और आपकी बी कैपिटल डेबिट हुई है तो बी के अकाउंट से पैसा निकाल भी दोगे टू रिवल्यूशन अकाउंट, टू रिवल्यूशन अकाउंट। सिंपल सी बात है, एंट्री के दो फैक्ट होते हैं डेबिट एंड क्रेडिट, तो क्रेडिट में क्या हुआ रिवल्यूशन क्रेडिट हुआ, फायदे वाली बात 2100 रुपए कैपिटल से आ गए, बी कैपिटल डेबिट हुई पैसा निकाल लिया टू रिवल्यूशन अकाउंट, बी के अकाउंट से 2100 रुपए आपने निकाल लिए। आई होप आपकी वाली बात समझ में आ गई होगी। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है आपका अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ रुपीज 4000 विच वाज प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंक। एक बिल था जो आपने बैंक से डिस्काउंट कराया था, विच वॉज मतलब पास्ट की बात है, ये काम हो चुका था, वॉज डिसऑनर ऑन 31 मार्च 22 नए पार्टनर आने से एक दिन पहले बिल डिसऑनर हो गया था, बट एंट्री वाइज नॉट पास फॉर डिसऑनर, लेकिन अभी तक आपने उसकी एंट्री नहीं करी, तो बिल जो आपने डिसऑनर, जो आपका बिल डिसऑनर हुआ उसकी एंट्री क्या होगी। मैं आपको पहले डायरेक्ट एंट्री लिखता हूं, बिल डिसऑनर पर एंट्री होती है आपका बिल रिसीवल सॉरी आपका डेटर बढ़ जाएगा, डेटर आपका बढ़ जाएगा, डेटर जाएगा डेबिट और बैंक आपका घट जाएगा। अगर आपने बिल डिस्काउंट कराया है और डिसऑनर हो जाए तो आपकी एंट्री होती है, आपने 11th क्लास में पढ़ी होगी बिल ऑफ एक्सचेंज में, डेटर कितने से बढ़ जाएगा 4000 से और बैंक कितने से घट जाएगा 4000 से। अब इस पॉइंट में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है, सर बिल का क्या हुआ, तो बेटा बिल तो पहले ही खत्म हो गया था, वो कैसे खत्म हुआ था वो आपको बताता हूं मैं। जब आपने बिल डिस्काउंट के लिए भेजा हुआ, जब आपने बिल बैंक से डिस्काउंट कराया था, बिल जब आपने बैंक को बेचा था, डिस्काउंट करने वाला बिल आपने बैंक को बेचा था, तो आपने उस समय क्या एंट्री करी थी, आपको पैसा मिला होगा आपने बैंक डेबिट किया होगा 4000 रुपए से, कुछ आपके डिस्काउंटिंग चार्जेस भी आए होंगे, क्वेश्चन में नहीं पता मैं मान लेता हूं कुछ भी नहीं है तो नील मान ली मैंने समझाने के लिए, तो आपका बिल रिसीवेबल, बिल आपका कितने का गया था 4000 का, बिल आपका पहले ही खत्म हो गया था, बिल आपका पहले ही खत्म हो गया था, ब्याज जब पैदा होता है तो डेबिट होता है, खत्म होता है तो क्रेडिट होता है, तो बिल तो आपका पहले ही खत्म हो गया था। अब जब बिल डिसऑनर हो गया तो बैंक किसका गला पकड़ेगा, बैंक गला पकड़ेगा मेरा, मेरा मतलब अगर बिल मेरा था तो बैंक मुझसे पैसा मांगेगा कि तुमने बिल डिस्काउंट कराया था पैसा दो, और मैं किसका गला पकड़ूंगा मतलब मैं किससे पैसे मांगूंगा, मैं पैसे मांगूंगा अपने डेटर से, मैं पैसे मांगूंगा अपने डेटर से, तो बैंक मेरा कम हो जाएगा क्योंकि मुझे बैंक को पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन डेटर मेरा फिर से जिंदा हो जाएगा, डेटर मेरा फिर से पैदा हो जाएगा, यानी डेटर का बैलेंस मेरा बढ़ जाएगा, तो डेटर हो गया डेबिट बैंक हो गया क्रेडिट। तो इस एडजस्टमेंट का रिवर्सल में तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि एक तरफ एक एसेट बढ़ गया एक तरफ एक एसेट घट गया, यानी अलग से कोई एसेट बढ़ा नहीं अलग से कोई एसेट घटा नहीं, ये आपस में इफेक्ट पूरा नलीफाई हो गया, लेकिन इस एंट्री का इफेक्ट तो दिखाना पड़ेगा, इसका इफेक्ट रिवर्सल में नहीं आएगा लेकिन डेटर में भी आएगा और
बैंक में भी आएगा। तो पहले देखिए बैंक में आप लिखिए माइनस 4000 रुपए, और डेटर में आप इनर कॉलम में, क्योंकि डेटर की एडजस्टमेंट हो सकती है, डेटर कितने हैं आपके, डेटर हैं आपके 30000 रुपए के, और मैं इसलिए इनर कॉलम में लिख रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में पढ़ा था तो क्वेश्चन में प्रोविजन की एडजस्टमेंट थी। तो एड आप बिल डिस ओनर के नाम से एड कर दीजिए, बिल डिस ओनर, ये आपका 4000 रुपए एड हो गया। अब ये दोनों खर्च हो गए, आइए अगली एडजस्टमेंट देखते हैं। अगली एडजस्टमेंट क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। देखिए अगली एडजस्टमेंट आ गई, 5% इज टू बी क्रिएटेड अगेंस्ट डेटर। क्या पहले से कोई प्रोविजन है, आप चेक करिए बुक में, पहले से कोई प्रोविजन बैलेंस शीट में नहीं है, यानी आपको बनाना है प्रोविजन 5% डेटर का। तो देखिए पहले तो डेटर 30000 रुपए के थे, लेकिन अब डेटर आपके 30 के नहीं रहे, अब डेटर आपके हो गए 34000 के, क्योंकि जब आपका बिल डिसऑनर हुआ तो 4 के डेटर और जिंदा हो गए, 4 के डेटर और जिंदा हो गए, यानी डेटर बनता है आपका एक्चुअल, सॉरी प्रोविजन बनता है आपका एक्चुअल डेटर पे। जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होता है वो बनता है आपका एक्चुअल डेटर के बैलेंस पे, तो वो कितना है 34000 है। अब 34000 का लेस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना, 5%, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट 5%, ये आपका आएगा 1700। मैं यहां पर लिख दिखाता हूं 34000 का 5/100, ये आपका आएगा ₹1700। तो ये आपकी फिगर हो गई एडजस्टमेंट की, आप लेस करके लिख दीजिए बाहर 32300। तो प्रोविजन याद रखिए हमेशा बनता है एक्चुअल डेटर, एक्चुअल मतलब जितने एक्चुअल में इस समय एग्जिस्ट करते हैं, अगर बैड डेट हो गई है तो कम हो जाएंगे, और डेटर जिंदा हो गया जैसे इस क्वेश्चन में तो डेटर आपका बढ़ जाएगा। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, ये वाला पॉइंट आपका हो गया डेटर से भी और बैंक से भी। नेक्स्ट पॉइंट में बोला है एक्सपेंसेस ऑन रिवोल्यूशन 2100 इज पेड बाय ए। अब आप सब जानते हैं खर्चा रिवोल्यूशन का फॉर्म का होता है, लेकिन पे किसने करा, ए ने, तो खर्चे के लिए तो फॉर्म ही डेबिट होगी, खर्चा फॉर्म का तो खर्चे के डेबिट होगा रिवोल्यूशन अकाउंट, क्रेडिट क्या होगा ए कैपिटल, क्योंकि ए को पैसा देना पड़ेगा। मैं एंट्री लिखता हूं यहां पे, अगर फर्म का खर्चा हुआ है तो फर्म के खर्चे के लिए डेबिट होगा रिवोल्यूशन अकाउंट, लेकिन पे ए ने करा तो हम ए को पैसा देंगे, तो एंट्री जाएगी 2A कैपिटल अकाउंट 2100, कितने रुपए है। अच्छा ये बी वाला पॉइंट 2000 का था, ये मैंने गलती से लिख दिया, बी वाला पॉइंट 2000 का था और ये 2100 का है, ये 2100 का है आपका, ये मैंने गलती से किया तो उसके लिए सॉरी, आप लोग जरूर देखिए। अब ध्यान से रिवोल्यूशन डेबिट हुआ तो डेबिट में आप लिखिए 2A कैपिटल, खर्चे के लिए रिवोल्यूशन डेबिट हुआ, घाटे वाली बात है, रिवोल्यूशन डेबिट 2100 रुपए, किस चीज के लिए हुआ है, एक्सपेंस जिसमें पे करे हैं, किसके, रिवोल्यूशन के, और रिवोल्यूशन डेबिट हो गया यहां लिख दिया। अब ए को पैसा देना है, ए की कैपिटल क्रेडिट हुई, तो क्रेडिट में आप लिखे बाय रिवोल्यूशन अकाउंट, इसके बाद पैसा आएगा जिसने पे करा था एक्सपेंस का, ये कौन सा पैसा आएगा जिसने एक्सपेंस पे करे थे, ये आपका आएगा एक अकाउंट में 2100 रुपए। आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट आपका क्या है, अगला पॉइंट आपका कुछ भी नहीं है, एडजस्टमेंट सारी खत्म हो गई है, अब आपको बारी बारी से बैलेंस शीट की सफाई करनी है। मैं सारी चीजें रब कर रहा हूं जो मैंने आपकी एंट्री बनाई है, अब आप जरूर देखिए ध्यान से, मैंने एंट्री रब कर देता हूं, एंट्री रब करने के बाद आपको बैलेंस शीट को क्लोज करना है, बैलेंस शीट की सफाई करनी है। तो देखिए लैंड बिल्डिंग नहीं आई है, अब लिख दीजिए लैंड एंड बिल्डिंग, ये कितने रुपए आ जाएगी आपकी, कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, एजीडी आ गई 50000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपकी किस चीज की है, प्लांट एंड मशीनरी, कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, एजीडी लिख दीजिए प्लांट एंड मशीनरी, ये कितनी आ जाएगी आपकी, ये आपकी आ गई 40000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट किस चीज की आपकी, फर्नीचर की, ये भी आपका नहीं था कोई एडजस्टमेंट में, तो डायरेक्ट लिख दीजिए फर्नीचर, ये कितना है आपका 30000। नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका बैलेंस शीट में, स्टॉक, स्टॉक के बारे में भी कुछ नहीं लिखा था, इसे भी लिख दीजिए, स्टॉक आपका कितने का है 20000। बैलेंस शीट बड़ी सीरियल चल रही है 50 40 30 20, ये देखिए क्वेश्चन की कितनी खासियत है। बिल रिसीवेबल डेटर आपका हो चुका है बिल रिसीवेबल से कोई छेड़खानी नहीं करनी है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, वो एज इट इज लिख दीजिए, बिल रिसीवेबल कितने रुपए, ये आपका है 20000। और बैंक आपका ऑलरेडी मैंने ऊपर लिखा हुआ है, तो आप बैंक की भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है क्योंकि मैंने सारे पढ़ ली, तो 10 40 50 50 -4 46000, बैंक का बैलेंस आपका आ गया 46000। अब लायबिलिटी साइड देखते हैं, सबसे पहले कैपिटल लिखनी है, तो कैपिटल लिखिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैपिटल कितनी है 60 40 40000, ए की है 60000, बी की भी है 60000,
और सी की है 40,000। अब क्या गिवन है आपको, क्रेडिटर्स आपका हो चुका है, बिल पेबल एजडी ले दीजिए 10,000। बिल्स पेबल आपका आ गया 10,000। अब देखिए बैलेंस शीट अभी कंप्लीट हो गई, अब आपको बारी बारी से अकाउंट क्लोज करने हैं। तो सबसे पहले आपको क्लोज करना है रिवोल्यूशन अकाउंट। तो देखिए रिवोल्यूशन अकाउंट यहां पे 2100, यहां पे कितना है आपका, यहां पे आपका 2000 और एक 3200 आपका ये है। और अच्छा प्रोविजन मैंने आपको यहां लिखना भूल गया, यहां पे देखिए गलती हो गई आपकी, मतलब मेरे से गलती हो गई। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जो आपने निकाला था 1,700 रुपए, जब वहां पे लिखना भूल गए थे, वहां पे तो लेस कर दिया था, यहां पे लिखना भूल गए थे। तो अब देखिए ये आपका आ गया 3,800, और ये साइड बड़ी है तो लॉस आ गया। बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल के बारे में कुछ नहीं बोला, तो फ्लक्चुएटिंग मानेंगे। ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट और सी कैपिटल अकाउंट, ये आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया 600 रुपए घटा के। और रेशियो कितना आपका 3:2:1, रेशियो आपका 3:2:1, तो 300 इसको मिल जाएगा, 200 इसको मिल जाएगा और 100 इसको मिल जाएगा। तो दो गलतियां हुई थी क्वेश्चन में, एक हम यहाँ पे अमाउंट लिख दी थी और दूसरी में प्रोविजन लिखनी भूल गया था, तो उसके लिए माफी, लेकिन आप लोग जरूर अच्छे से करिएगा। दोनों एडमिट एक्सेप्ट करनी है, तो ध्यान रखिएगा कि कोई एडमिट छूटे नहीं। अब आइए इस लॉस को ट्रांसफर करते हैं कैपिटल अमाउंट में, ये लॉस यहां से आ जाएगा रिवोल्यूशन के नाम से। टू रिवोल्यूशन, लॉस से कैपिटल घटती है तो डेबिट होती है 300 रुपए, 200 रुपए, 100 रुपए। और उसके बाद आप देखिए अब आपकी रिवोल्यूशन भी हो गया, लॉस भी आ गया, अब आपको कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है। और इस क्वेश्चन में कितनी अच्छी बात है, आपकी कोई गुडविल के एडजस्टमेंट नहीं थी, कोई नया बंदा प्रीमियम लाया नहीं और ऐसा भी कुछ नहीं बोला कि हिडन गुडविल वाला क्वेश्चन है, इसलिए गुडविल का एडजस्टमेंट थी नहीं इस क्वेश्चन में। अब आप बैलेंस शीट निकालेंगे यानी क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे, देखिए इसकी एडजस्टमेंट अच्छी थी, बाकी कैपिटल अकाउंट कुछ खास नहीं है। ये साइड बड़ी आ रही है 60,000, 2,100, तो ये हो गया 62,100। यहाँ पे 60,000 ही है, यहाँ पे 40,000 है और यहाँ पे आपका 50,000 है। अब देखिए ये तो आपका टू बैलेंस सीडी लास्ट वाले का तो सेम ही आएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन, टोटलिंग लिख देता हूँ 62,100, क्योंकि क्रेडिट साइड सारी बड़ी है, 60,000, 40,000 और 50,000। तो सबसे पहले आखिरी वाले कहता हूँ, आखिरी वाले का आ गया 50,000, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं थी यहाँ पे, 40,000 में 100 गए 39,900 रुपए। यहाँ पे 60,000 में से 2 गए 58 और 2 गए तो 57,800, 57,800। और 62,100 में से 300 गए तो ये आपके 100 गए तो 61,800। चेक कर लेते आंसर, तो ए का 61,800 ही है, बी का 57,800 ही है, सी का 39,900 है और डी का आपका 50,000 है। ये कैपिटल अमाउंट आप यहां लिख दीजिए, क्योंकि कैपिटल जो क्लोजिंग बैलेंस होता है, न्यू बैलेंस आफ्टर एडमिशन ऑफ डी, वो लिखनी होती है। तो कैपिटल अकाउंट आप देखिए ये ए बी सी और डी, ए की कितनी कैपिटल है 61,800, बी की कितनी है, बी की आपकी 57,800, सी की आपकी 39,900 और डी की आपकी 50,000। इन सबका सम कर लीजिए तो ये आ गया 0, 0, 8, 8, 16, 9, 25 की 5 हासिल आई, 2, 2, 1, 3, 7, 10, 9, 19 की 9 हासिल आई, 1, 7, 5, 12, 3, 15, 5, 20, तो ये आपकी टोटलिंग 209,500। अब आप बैलेंस शीट टोटलिंग करिए लायबिलिटी साइड की, एडजस्टमेंट आपकी सारी हो चुकी है 30,000, तो 239,500। चेक करते हैं आंसर, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ये आपका आंसर आ गया 2,39,500। और यहां पे टोटलिंग चेक कर लेते हैं, 20, 20, 40, 30, 70, 70, 40, 1, 10, 1, 10, 50, 60, 1, 60, 30, 1, 90, 1, 92, 1, 93, 1, 94, 1, 99, 1, 99, 40, 2, 49, 2, 40, 200, 300, 500। तो ये भी आपके आ गए 2,49,500। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, समाप्त हो गया, आई होप आपको समझ में आएगा। इस क्वेश्चन की एडजस्टमेंट बहुत अच्छी थी, तो अगर आपको डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बाकी आप वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, अगर आपको ज्यादा दिक्कत आए आपको पक्का समझ में आएगा, लेकिन फिर भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मुझसे पूछिएगा।
बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।